वॉरियर्स तैयार हैं। आज के दिन भी माइटी मनिंदर की ये टीम है सर्वश्रेष्ठ रेडिंग यूनिट 1419 पॉइंट्स, और ये आंकड़ा लगातार मैच दर मैच माइटी मनिंदर बढ़ाते ही जाते हैं। और अब यहां पर प्रवेश करने के लिए तैयार है तमिल तलाईवास की, स्वागत की तैयारी की जाएगी। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां पर कबड्डी का रुझान एक अलग ही स्तर पर दिखता है, और वहां से निकली हुई ये टीम तमिल तलाईवास। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, तमिल तलाईवास ने टॉस जीता है। पहली रेड के लिए आएंगे बंगाल वॉरियर्स, तो क्या आएंगे माइटी मनिंदर या आएंगे नितिन कुमार, आइए जानते हैं। बंगाल वॉरियर्स तमिल तलाईवास प्रो कबड्डी सीजन 10 के एक आखिरी प्रहार के लिए तैयार है। कौन सी टीम यहां पर एक जीत के तोहफे के साथ जाएगी वापस? माइटी मनिंदर आए हैं पहली ही रेड में। बिल्कुल पहली रेड पर माइटी मनिंदर, आप सभी का स्वागत एक बार फिर। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ हैं सभी श्रीवास्तव और साथ में ऋषांक देवाडिगा। मनिंदर मनिंदर पहुंचे हैं पहली रेड पर, क्या कामयाबी के साथ लौटेंगे? लेकिन संभवतः पहली रेड बोनस पॉइंट के नाम रही मनिंदर के लिए। बिल्कुल वो रनिंग बोनस पहली रेड में अटेम्प्ट किया मनिंदर ने, और यहां पे नरेंद्र कंडोला बोनस अटेम्प्ट करके मिड लाइन तक लौटे, और ये दूसरी बार फिर से एक बोनस का प्रयास। बोनस पॉइंट तमिल तलाईवास, तो बोनस का जवाब बोनस से दिया है यहाँ पर नरेंद्र ने, और एक बार फिर से दूसरी ही रेड के लिए आ चुके हैं यहाँ पर माइटी मनिंदर। आज ज्यादा से ज्यादा रेड्स करने की रुचि दिख रही है इनकी। राइट, ओ यहाँ पर फेल टैकल मनिंदर को, यहाँ एक आसान पॉइंट मिला। रेड से फेक बोनस करके लंचा हिमांशु को, एंकल होल्ड करने की कोशिश थी हिमांशु की, ये फेक बोनस। हमेशा हमने देखा है संजय दा इस सीजन में रेडर जो वो फेक बोनस करके अटेम्प्ट करते हैं डिफेंस को। बिल्कुल और वजह बिल्कुल साफ है कि इस बार डिफेंडर्स काफी चढ़कर खेले हैं, बीच से निकले जसकीरत ने शुरुआती लम्हे में ही गलती कर दी। बोनस प्लस वन पॉइंट तमिल तलाईवास, ये गए थे लेकिन बोनस भी मिला और बीच से निकलने का एक पॉइंट भी। बहुत ही बेहतरीन डुबकी है नरेंद्र की, बोनस हासिल किया उसके बाद जसकीरत आए थे, और ये वो हैं जिन्होंने पिछले सीजन में कमाल किया था, अपने डेब्यू सीजन में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था नरेंद्र ने, लेकिन इस सीजन इसे वो लगातार जारी नहीं रख सके बोनस के अटेम्प्ट। और अब यहां पर नरेंद्र के अलावा दूसरे रेडर्स को भी मौका मिलता हुआ, बहुत करीब आए थे वहां पर लेफ्ट कॉर्नर सेल्फ आउट होने से, लेकिन विशाल चहल को लगता है कि ये पॉइंट मिला, पहला पॉइंट किसी और की तरफ से आया। जसकीरत बाहर, जसकीरत का मोमेंटम तोड़ा पहले विशाल चहल ने, और उसके बाद ये टो टच करके उन्हें आउट किया। तो बहुत ही समझदारी वाली रेड विशाल चहल की, ने पता था किसको टारगेट करना, सही टारगेट करके वो पॉइंट हासिल किया उन्होंने। इस विश्वास एक और रेडर जिसका इस्तेमाल बंगाल वॉरियर्स ने लगातार किया लेकिन पैचेस में किया, एक अच्छे रेडर है, गठा हुआ शरीर है, अच्छे रिफ्लेक्सेस है, और आज नरेंद्र कंडोला कहर बर पा रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। एक और रनिंग हैंड टच बेहतरीन, आज हमें स्किल देखने मिल रहे नरेंद्र के, दो बार डुबकी देखी, ये रनिंग हैंड टच बहुत ही खूबसूरत, इस तरह से मैट को यूटिलाइज करके खेल रहे, मूव करके खेल रहे मैट पर। और मनिंदर यहाँ पे डू और डाई रेड में है मनिंदर, पूरा डिफेंस है, मनिंदर को सामने से ब्लॉक किया गया और इस बार मिड लाइन पार नहीं कर पाए। वो डिफेंस में किसी भी टीम का ये पहला टैकल पॉइंट है, पूरे का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। शुभम शिंदे पर लगातार प्रेशर बनाते हुए, लेकिन वहां से भी क्या जोखिम बोल लेंगे, सवाल ही नहीं जोखिम का, हाथों से पंच किया, अपने आप से दूर कर दिया आदित्य शिंदे को। बिल्कुल एंगल दिया नहीं था आदित्य शिंदे को, और आसान रहता है दो में अगर रेडर जो है वो आगे रनिंग हैंड टच की कोशिश करते तो सफलता मिलने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते, और वही किया नरेंद्र ने, गलती करवाई आदित्य शिंदे से।
और अब शुभम शिंदे मूल रूप से डिफेंडर हैं लेकिन कई बार पर्स्यूट में जाकर पॉइंट्स लेकर आते हैं यहां, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी है इस ऑल आउट के खतरे से टीम को बचाने की कोशिश थी, लेकिन यहां आमिर हुसैन बस्तामी का एंकल होल्ड काम आया। लेकिन क्या यहां कोई एक डिफेंडर सेल्फ आउट हुए हैं? बिल्कुल यही देखना होगा कि जब डाइव करने की कोशिश थी बस्तामी की। बंगाल वॉरियर्स रेड से ड्रॉप सुपर टैकल की गुंजाइश है, पैरों पर गए ओहो, और ये ड्रॉप सुपर टैकल कामयाब हो गया। निकलने के लिए रास्ते पे निकले जरूर थे लेकिन बैरियर खड़ा था वहां पर, निकल नहीं पाए, रास्ता गलत चुन लिया था मिड लाइन के पास, अगर वो जंप करके एस्केप करते तो शायद कामयाब रहते। और पहली बार नरेंद्र आउट हुए और वो भी एक रॉक सुपर टैकल के साथ। दोनों टीमें इस सीजन आखिरी लीग मुकाबला खेल रही हैं, दोनों प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ने आज अपनी फुल स्ट्रेंथ उतारी है ताकि जाते जाते एक जीत के सहरे के साथ वापस जाए। निपिन गए लॉबी में और देखना होगा कि इस बार क्या वो तीन टीमें जो कि इससे पहले खिताब जीत चुकी हैं उनमें से कोई चैंपियन होगा या कोई नई टीम। और यहां शुरुआत में ही एक बड़ा नुकसान किया वॉरियर्स ने अपना 40-69-13। ये सुपर रेड हो सकती है संजय दा, थ्री पॉइंट्स तमिल दलाईवास। बिल्कुल सुपर रेड के साथ इस दूसरे चरण की शुरुआत की है यहाँ विशाल चहल ने, क्या कमाल की वो रेड जहां पर ऐसा लगा कि शायद टीम ऑल आउट ही हो गई है, लेकिन ऑल आउट के करीब एक बार फिर से विशाल चहल की ये जबरदस्त रेड। निशांक सुपर टैकल ऑन है अब नरेंद्र के लिए, पिछली बार सुपर टैकल हुए थे, पहली बार आउट हुए थे, इस बार लॉबी में गए आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर से ऑल आउट के करीब। बंगाल नरेंद्र कंडोला आज जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, शायद कोई दबाव नहीं कोई प्रेशर नहीं, इसीलिए अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां नितिन बोनस उन्होंने कंफर्म किया, इस समय आपको बोनस कोई भी टीम बिल्कुल आसानी के साथ देगी, लेकिन टच पॉइंट लेना जरूरी है अगर एक बार फिर वो कोशिश करेंगे अपनी टीम को रिवाइव बनाए रखने की, ऑल आउट के खतरे को टालने की। नहीं कर पाए जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल इन होते हैं। ऑल इन बैंगलोर वॉरियर्स लीजिए, वॉरियर्स सिर्फ दो पॉइंट्स का फासला है। बहुत ही अच्छा कमबैक था वॉरियर्स का, तो फिर वो गलती हो ही जाएगी। बिल्कुल संजय दा, और मनिंदर के सामने जिनकी माइट इतनी ज्यादा है उनको डैश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वही हुआ विशाल के साथ, हिमांशु के साथ माफ करना। यहां नितिन ने क्या एक बार फिर सुपर रेड की है, पैर उन्होंने जरूर डाले मिड लाइन के अंदर और ऐसा लगता है कि बॉडी का कॉन्टैक्ट लॉबी से कायम था। साहिल तो आउट है ही, यहाँ पे दो पॉइंट मिल जाएंगे, साहिल और अभिषेक को जाना होगा। साहिल ने हाथ लगाया और ऐसे अलग किया जैसे कोई गर्म चीज एकदम से छूली हो क्योंकि वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे इस टैकल के लिए। डू ऑर डाई तमिल तलाईवास को कम करते हुए बंगाल वॉरियर्स, और अब डू ऑर डाई रेड है ये तमिल तलाईवास के लिए। नरेंद्र आए हैं सुपर टैकल के करीब है, पिछले कुछ रेड्स में इन्हें आउट करने में सफल हो पाए हैं बंगाल वॉरियर्स के डिफेंडर्स, लेकिन इस बार डू ऑर डाई रेड में बोनस अगर नहीं मिला। जबरदस्त जंप, कमाल की रेड नरेंद्र की, बिल्कुल 3 पॉइंट सुपर रेड नरेंद्र कंडोला की, और सुपर 10 भी पूरा हुआ नरेंद्र कंडोला का। बहुत ही जबरदस्त रेड ये नरेंद्र कंडोला की, जिस तरह से आज स्किल देखने मिले हमें, मनिंदर भी शायद हो सकते अगले सीजन में बंगाल वॉरियर्स के साथ, तो डिफेंस को बेहतर करना होगा, रेडर्स जो है तो बेहतर कर ही रहते इस सीजन में। सुपर टैकल ऑन है, नरेंद्र को एक पॉइंट जरूर मिला है, यहाँ दूसरे पॉइंट की भी तलाश में गए थे, लेकिन फिर से ऑल आउट के नजदीक धकेल दिया है बंगाल वॉरियर्स को यहाँ नरेंद्र और तमिल तलाईवास ने। सब्स्टिट्यूशन बंगाल वॉरियर्स, वॉरियर्स के लिए ये मुश्किलों का समय है, मैट पर थे पीछे खिसक रहे थे और उसी दौरान एक डिफेंडर का शिकार हुआ, एक बार फिर ऑल आउट की दहलीज पर पहुंच गए।
बास्केटबॉल वॉरियर्स। विश्वास मांड्या कर्नाटक से हैं, सीनियर नेशनल खेल चुके हैं लगातार, और अब देखना है कि प्रो कबड्डी के मैच पर कितने इंपैक्ट आते हैं। चलिए एक बार उन्होंने अपनी टीम को बचाया। ये तीसरा मौका है जब बोनस भी मिला और ऑल आउट का खतरा भी टला। सही कहा संजय आपने, और ये विशाल चहल की गलती, बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, रेडर के पास गए, वो डाइव लगाने की कोशिश नाकामयाबी लगी हाथ। लेकिन नरेंद्र को आज कौन रोक सकता है, फिर से एक बार नरेंद्र आए, सुपर टैकल ऑन थी उनके लिए, नंबर 40 आउट। लेकिन यहां पर शिकार किया अक्षय कुमार का, और गलती करा रहे आज बार बार अक्षय कुमार से। हालांकि एक बार अक्षय कुमार के जाल में फंस गए थे वो सुपर टैकल सिचुएशन में नरेंद्र, पर उसके बाद से हमेशा अक्षय कुमार के सामने पॉइंट स्कोर किया है नरेंद्र ने, गलती करवाई अक्षय कुमार से। बिल्कुल विश्वास एक बार फिर, सात का डिफेंस विश्वास के लिए, टैकल पॉइंट सिर्फ तीन है, तलाइवास के दो है, वॉरियर्स के घिर गए, बिल्कुल घिर गए, अंदर चले गए थे और कुछ हद तक ब्लाइंड हो गए थे। चलिए बोनस के लिए उन्होंने ऑल आउट हो गई टीम, और जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं, दूसरी बार ऑल आउट हो गए बंगाल वॉरियर्स। और साहिल गुलिया और हिमांशु दोनों चेन लेकर आए थे, अच्छी चेन थी, फॉलो किया था पूरी तरह से, विश्वास को मौका दिया नहीं एस्केप करने का। तो अब 9 पॉइंट्स की लीड है तमिल तलाइवास के पास, बढ़ने के करीब थी लेकिन इस बार पहले से ही भाग लिए थे डिफेंडर। बंगाल वॉरियर्स बैकफुट पर हैं, एक बार फिर यहां पर रॉब सुपर टैकल हो सकता है, लेकिन ऑल आउट का खतरा भी मंडरा रहा है। एक बार फिर टच पॉइंट 12 है, तीन बोनस है नरेंद्र के, अद्भुत प्रदर्शन है, एक हाफ में 15 पॉइंट, और इस बार नरेंद्र ने पीठ दिखाई लेकिन इसके बावजूद चुटकी लगाकर कामयाब हो गए। शुभम शिंदे अकेले आए थे, कुछ न कर पाए नरेंद्र का, बहुत ही जबरदस्त रेड ये नरेंद्र की, पूर्व अनुमान लगाया, पता था शूट के लिए आ रहे शुभम शिंदे, और वहीं पे डुबकी लगा के चकमा दे दिया शुभम शिंदे को। और अब माइटी मनिंदर, जिन्हें आज शांत रखा है तमिल तलाइवास के डिफेंडर्स ने, और माइटी मनिंदर बहुत लंबे समय तक बेंच पर भी रहे हैं, यहाँ फुल स्टैक डिफेंस है, बोनस की कोशिश माइटी मनिंदर के ऊपर, ये टैकल मिड लाइन के करीब, जैसे माइटी मनिंदर आगे आते हैं इस बार नहीं आ पाए, बोनस जरूर मिला उन्हें। हालांकि वॉरियर्स के लिए एक बार फिर मुश्किल है, बस्तामी ने काफी फेल टैकल किए लेकिन यहां पर कामयाबी मिली, और इसके साथ ही बंगाल वॉरियर्स एक बार फिर ऑल आउट हुए। बुरा दिन है आज बंगाल वॉरियर्स के लिए, तीसरी बार यहां ऑल आउट हुए, जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है। और विशाल चहल ने भी आज 9 पॉइंट्स कमा लिए हैं, सुपर 10 के करीब आ सकते हैं विशाल चहल। यहां एक पॉइंट जरूर मिलेगा विशाल को, और उन्होंने इस बार वैभव गर्जे का शिकार किया शानदार अंदाज में, और हर एक रेडर फायदा उठा रहा है बंगाल वॉरियर्स की इस कमजोर डिफेंस का। उसे पिछली रेड में विशाल चहल ने भी अपना सुपर 10 पूरा किया, और अब यहां पर डू और डाई रेड है बंगाल वॉरियर्स के लिए। अच्छी कोशिश थी एस्केप की लेकिन चेन से आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं रह गए। बहुत ही बढ़िया टैकल एक, और अब नितिन को बाहर जाना पड़ा। काश इसे पुशअप माना जाता, 4 का डिफेंस यहां, 20 पॉइंट्स आगे तमिल तलाइवास। विशाल चहल एक और मल्टी पॉइंट रेड के करीब, एक बार फिर से जबरदस्त टर्न और ट्विस्ट के साथ एस्केप। ये तो मल्टी पॉइंट्स का एक्सपर्ट हो गए हैं विशाल चहल, जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आज, बहुत ही जबरदस्त रेड ये विशाल की, स्ट्रगल जारी रखा, पता था वो मिड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं और करके दिखाया वही। शुभम शिंदे को वहां ग्रीन कार्ड मिला है जर्सी पुलिंग के लिए, दोनों ही शिंदे भाइयों को बाहर किया विशाल चहल ने, और तमिल तलाइवास के अंदर चहल कदमी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर रेडर्स जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, मनिंदर की इस टीम की हालत देखना सचमुच काफी दुखद है, सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए,
ऑल आउट के खतरे को टालना होगा। नरेंद्र आए हैं रेड पर, जसकीरत तो बहुत आसान टारगेट हमेशा से रहे हैं, सिर्फ टच किया, जसकीरत को वापस निकल गए। ये 17वां पॉइंट है नरेंद्र कंडोला का और ये है ड्रीम इलेवन गेम चेंजर विनर। पांचवी फील्ड टैकल थी वो जसकीरत की ओर से, माइटी मनिंदर रोक लिए गए इस बार। इस मैच में चौथी बार बंगाल वॉरियर्स ऑल आउट हुए हैं। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैट पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी आ सकते हैं। तो लीजिए पंगा उस तरह से, जिस तरह से आज तमिल तलाईवाज ले रहे हैं पंगा, क्या ये कहने के लिए कि भले ही बड़ी हार हुई हो लेकिन हमने तो पूरे प्लेयर खिलाए नहीं, हमने तो बड़े प्लेयर खिलाए नहीं। देखिए मनिंदर और आदित्य शिंदे को अगर छोड़े तो बाकी जो पांच प्लेयर है नंबर वन सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पे एक और पॉइंट तमिल तलाईवाज को मिलता हुआ। विशाल चहल बहुत ही अच्छी है, रनिंग किक लगाई। मनिंदर यहाँ पर फिर धर लिए गए, ये डिफेंस का पॉइंट है। अच्छी बात ये कि जाते जाते तमिल तलाईवाज मीठी यादें लेके जा रहे हैं इस मुकाबले से। वन पॉइंट तमिल तलाईवाज। विशाल चहल और प्लेऑफ का शेड्यूल आपके स्क्रीन पर, 26 फरवरी को होंगे दो एलिमिनेटर्स, 28 फरवरी को दो सेमीफाइनल्स और 1 मार्च को अंततः हमें मिल जाएंगे पीकेएल सीजन 10 के चैंपियंस। यहां तो विशाल चहल को सिर्फ पॉइंट्स मिल रहे हैं रेड में। वन पॉइंट तमिल तलाईवाज, पॉइंट्स की छड़ी लगा दी आज विशाल चहल और नरेंद्र ने मिलकर के, दोनों ने मिलकर अब तक 31 रेड पॉइंट अर्न किए हैं। नरेंद्र कंडोला के उस आंकड़े की बराबरी कर रहे हैं, पहला सुपर 10 और एक बड़ा विशाल सुपर 10, 16 पॉइंट्स हो चुके हैं। डू ऑर डाई रेड, अब आदित्य शिंदे आए हैं, आदित्य शिंदे वहीं रह जाएंगे। रेड आउट, वन पॉइंट तमिल तलाईवाज। बस्तामी ने काम किया, पैरों पर गए बस्तामी। फिर से एक और सब्स्टिट्यूशन यहां पर बंगाल वॉरियर्स की ओर से, और अब प्रशांत कुमार दो रेड में गए थे, दोनों बार एम्प्टी रेड करके आए थे, इस बार एकदम नजदीक मिड लाइन के आउट हो गए, डैश आउट कर दिए गए। नंबर 5, बहुत ही बेहतरीन डैश ये, आशीष गए थे है ना, बहुत ही जबरदस्त टैकल, चेन लेकर गए, मौका दिया नहीं एस्केप करने का बिल्कुल भी। और यहां पर चर्चा हो रही कि क्या कोई और डिफेंडर भी बाहर गए थे, क्या एक से ज्यादा पॉइंट यहां पर मिलेंगे बंगाल वॉरियर्स दे दिया गया। 31 फेल टैकल का वो आंकड़ा आया था हमारे सामने बंगाल वॉरियर्स की ओर से आज, और अब इस फासले को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 32 पॉइंट्स की लीड है तमिल तलाईवाज के पास, और अब तमिल तलाईवाज ने भी किए हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन। और मसाना मुत्तू वन पॉइंट तमिल तलाईवाज में आए, एक पॉइंट लेकर गए, राइट कवर पे रनिंग हैंड टच इनिशिएट किया। रेड चाई मिंग चैंग सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हुए हैं, अभी उनका फुटवर्क देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको जो बाकी कबड्डी प्लेयर्स हैं उनसे डिफरेंट डुबकी लगाना चाहते थे, अंदाज सही था, अनुमान सही था, तमिल तलाईवाज, लेकिन न तो गति थी और न ही ताकत थी, घेर दिए गए। रौनक आए थे चेन लेकर, बहुत ही जबरदस्त रौनक और आशीष का ये कॉम्बिनेशन, चेन का बेहतरीन। और अब एक बार फिर से यहां पर आए हैं मसन मुत्तू, इस सीजन लगातार उनके ऊपर नजरें थी, आखिरी क्षणों पर इन्हें मौका दिया जा रहा है। नंबर 11 और उस मौके को दोनों हाथों से स्वीकारते हुए लगातार दूसरी रेड में एक टच पॉइंट लेकर आए मसन मुत्तू, और दोनों बार ये रनिंग हैंड टच, लेकिन थर्ड की पोजीशन तकरीबन उनकी कंसोलिडेट हो जाएगी अगर वो इस मुकाबले को जीतते हैं। और आज कह दिया था शुरुआत में कि टाइगर जिंदा है, तो अगले सीजन हम उन्हें देखने के लिए बिल्कुल बेताब रहेंगे बेंगलुरु बुल्स के साथ एक बार फिर से। इस बार ऑल आउट नहीं टाल पाए आदित्य शिंदे, और छठी बार तमिल तलाईवाज ने बंगाल वॉरियर्स को ऑल आउट किया है, इतिहास रचते हुए इसके साथ पहली बार किसी टीम ने अपने विरोधियों को 6 बार ऑल आउट किया है। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैच पर आप 6 बार भी अगर ऑल आउट हो जाएं तो ऑल इन आ सकते हैं। सिल्वा मनी
याद रहेगा, मन मस्तिष्क में कैद रहेगा। मसद मुत्तु लक्षण 12 ऑल आउट पॉइंट्स आज तमिल तलाईवाज ने कमाए हैं। मसद मुत्तु हर एक रेड में पॉइंट लेकर आ रहे हैं, एक बार भी आउट नहीं हुए अभी तक, और हर एक रेडर पॉइंट ला रहा है। सभी जिस हिसाब से बंगाल का डिफेंस खेल रहा है, बहुत ही आसान हो रहा है रेडर के लिए पॉइंट स्कोर करना। बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है रेडर्स की। मनिंदर को ब्लॉक करने की कोशिश, बहुत ही एडवांस और उसमें भी कामयाब। वन पॉइंट तमिल तलाईवास। तमिल तलाईवास का डिफेंस आज गरज रहा है। कुल मिलाकर 14 टैकल पॉइंट्स अब तक उनके नाम हो चुके हैं, और ये छठा टैकल तो एक ने भी एक पॉइंट हासिल नहीं किया जब से सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाए गए। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन चाहते चाहते वॉरियर्स का, उन्हें परेशान करेगा ये प्रदर्शन। चलिए जाते जाते एक सुपर टैकल, सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ। कपिल गुर्जर ने ये सुपर टैकल को अंजाम दे दिया, मगर की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं था। दो पॉइंट थोड़ी सी राहत तो देंगे। दोनों पैरों पे जाके रोका मसन मुत्तु को, ढाप लिया था उनके रेड को, बार बार रनिंग हैंड टच करते थे मसन मुत्तु। नंबर 5 एंड 6 आउट। और यहां प्रशांत कुमार को दो पॉइंट्स मिले, मल्टी पॉइंट रेड। जैसा ही रशांक आपने कहा कि सब्स्टिट्यूशन के बाद बंगाल वॉरियर्स खिलाड़ी पॉइंट्स नहीं ला रहे हैं, यहां पर लगातार दो रेड्स में पॉइंट आए। मिड लाइन के पार पैर जा चुका था, हालांकि मिड लाइन के पार खुद रेडर भी जा चुके थे। दो पॉइंट्स वहां पर आएंगे। 69 पॉइंट्स पर है तमिल तलाईवास, और इस सीजन किसी भी टीम ने किसी भी मैच में 69 पॉइंट से ज्यादा नहीं कमाए हैं। तमिल तलाईवास उस आंकड़े को तोड़ सकते हैं, लेकिन यहां बंगाल वॉरियर्स को मिलेगा ये पॉइंट। वन पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स के खाते में एक और पॉइंट जुड़ता हुआ, जाते जाते कम से कम दो तीन पॉइंट लिए हैं। पहले ही हाफ में बैकफुट पर धकेल दिया। 18वीं पॉइंट लेकर आए हैं अमर विशाल चहल, उसके साथ 70 पॉइंट्स पहुंच चुके हैं तमिल तलाईवास। और इस सीजन किसी भी मैच में किसी भी टीम ने इतने पॉइंट्स नहीं कमाए हैं, कमाल का ये रिकॉर्ड। उसमें दो का इजाफा होगा अगर ये सुपर टैकल हो जाए पूरा तो। बिल्कुल 70 पॉइंट सीजन 5 में हरियाणा स्टीलर्स और पटना पायरेट्स के बीच के मुकाबले में बने थे, और यहां पर रॉक सुपर टैकल कामयाब। जाते जाते मगर की जकड़ से निकल नहीं पाए। बहुत ही जबरदस्त ये रॉक सुपर टैकल। साहिल गुलिया वो डाइव करके एंकल पे डाइव किया था, बहुत लो था वो डाइव, ग्रिप बना के रखा। इस मुकाबले में भले ही किसी भी टीम के पास पाने को कुछ नहीं था, लेकिन प्रो कबड्डी के पास पाने को बहुत कुछ था। एक और ऑल आउट हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार तलाईवास का पहला ऑल आउट हुआ है। और आज जिस प्रकार से पंगे ले रहे हैं ये दोनों ही टीमें, सातवां ऑल आउट इस मैच का। और यहां तो एक एनाग्राम सा बन गया है, 73 और 37। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि प्रो कबड्डी को आज बहुत कुछ मिला है, दो नए रिकॉर्ड मिले। मैच ओवर। तलाईवास एक और जीत के साथ कुल मिलाकर 9 जीत उन्होंने दर्ज की। उनका ये सफर सीजन 10 का यहीं पर समाप्त हुआ।